आओ रखो यहां। कप्पा बसना। कृष्णा। हाँ स्वामी जी। यहाँ ध्यान दो, अब इस पवित्र पेड़ की शक्तियों को तृप्त करने के लिए आज हम ये भोग चढ़ा रहे हैं, और इस भोग के चढ़ते ही हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। ये जो फल, गहने, पैसे, कपड़ा सब कुछ यहाँ पे छोड़कर अब यहाँ से सीधा घर चले जाओ, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, समझ लो? हो स्वामी जी। समझ लो? हो स्वामी जी। अगर किसी ने भी पीछे मुड़कर देखा तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। जाओ कल्याण। लक्ष्मी सर, बाबा सर। ए मेरे मुंजाओ, आ जाओ आ जाओ, प्रकट हो जाओ। जो भोग कृष्णा ने अर्पण किया है उसे ग्रहण करो, कल्याण कर दो कृष्णा का। आ जाओ भोग ग्रहण करो, आ जाओ प्रकट हो जाओ, भोग ग्रहण करो, आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। साहब मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सुना है आप लोग अजीब वो गरीब कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ ये मैडम है ना अजीब और मैं गरीब, बोलो। साहब मैं रवि मोरे, माटुंगा पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग है। मेरे भाई का बेटा एक आत्मा के चपेट में आ गया है साहब, सातारा में मेरे गांव में एक 400-500 साल पुराना पेड़ है जिसकी हम सब गांव वाले पूजा करते हैं, पर हम सबका मानना है कि उस पेड़ पर मुंजा बसते हैं। मुंजा मतलब? मतलब साहब कि आत्माएं कहिए या पिशाच, वो सब उस पेड़ पर बसते हैं। दो हफ्ते पहले ही मेरा भाई एक रात को उस पेड़ की पूजा करने अपने परिवार के साथ गया था। उस पेड़ पर उसके बेटे ने कुछ देख लिया साहब, और तब से वो बच्चा बहुत ही शॉक में है। हम उसे यहाँ इलाज के लिए लाए थे मुंबई में, एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ साहब। सर प्लीज प्लीज अब हमारी मदद कीजिए। क्या उम्र क्या है इस बच्चे की? 8 साल का है वो। पर तुम भी यही मानते हो कि ये सब उस मुंजा की वजह से हो रहा है? एक छोटे बच्चे के शौक में जाने के लिए और भी कई कारण हो सकते हैं। बराबर है तुमसे साहब, पर ऐसा मेरे भाई का कहना है कि पूजा के बाद ही उसके बच्चे की ऐसी हालत हो गई। मेरा नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब। ले लो, और उस गांव के और तुम्हारे भाई के सारे डिटेल्स मुझे एसएमएस कर देना। ठीक है सर, धन्यवाद। चला। क्यों उस कांस्टेबल को झूठा दिलासा दे रहे थे? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हो। बात विश्वास की नहीं है, बात ड्यूटी की है। एक छोटे बच्चे का मामला है, अब उसे खतरा इस मुंजा बुंजा से हो या किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। मगर इतने सारे अनसॉल्व केसेस को साइड में रख के तुम उस बच्चे के केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, मतलब तुम सच में मानते हो कि उस बच्चे की जान को खतरा है? अदिति बच्चा डरा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने भूती देख लिया हो। अक्सर छोटे बच्चों पे क्राइम्स कोई जान पहचान वाला ही करता है, ये तुम भी जानती हो, और अगर एक छोटा बच्चा अब्यूज हो रहा है तो दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अग्रीड। अदिति उस गांव में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है हमें नहीं पता, तो बेहतर यही होगा कि उस बच्चे के माँ बाप के अलावा कोई और हमारी आइडेंटिटी ना जाने। ठीक है। तुम्हारी शायद बिंदी गिर गई है, इधर आओ। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू तो बोल दो,
तुम्हारा अंडरकवर लुक पूरा कर रही है। धन्यवाद आजी। ठीक है रिसर्च यू सी। आप लोग यहाँ के नहीं लगते, नहीं हैं? नहीं आजी, वो क्या है ना, अभी अभी इनका नया बिजनेस चालू होने वाला है, इसी सिलसिले में। वो नागथाने गांव है ना, वहाँ पे कोई इच्छा पूर्ति पेड़ है, उसकी पूजा करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ पे मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। उस बरकत के पेड़ ने गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। मतलब मुंजिया? मुंजिया मुंजिया क्या होता है? किसी ब्राह्मण के लड़के की मुंज हो गई और वो शादी से पहले मर जाता है तो उसे मुंजिया कहते हैं। क्या करते हैं मुंजिया? बरगद के पेड़ में निवास करते हैं और किसी ने अगर उन्हें देख लिया तो उससे वो नाराज हो जाते हैं और फिर उसके साथ बुरी बुरी बातें होने लगती हैं। जैसे कि? लोग पागल हो जाते हैं, कोई मौन हो जाता है और कोई तो खून की उल्टी करते करते मर भी जाता है। मगर कभी किसी पेपर में तो इसके बारे में नहीं पढ़ने मिला। अरे पाप पड़ता है ना, लिखते कैसे? अगर कोई कभी लिख देगा तो मुंजिया आकर उन्हें सताता है, उनका जीना हराम कर देता है। आगे बढ़ता हुए उतरना आपको, चलो। यहाँ पे तो पूरा जंगल है, गांव किधर है? अरे गांव यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। तुम्हें मुंजिया से डर नहीं लगता? तुम हो ना मेरे साथ, तुम बचा लोगी मुझे। देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब मैं मुंजिया के बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो एक अजीब किस्सा मिला। अच्छा, वहाँ अज्जी के सामने तो बड़ा अनजान बनने की एक्टिंग कर रही थी। क्यों, तुम नहीं कर रहे थे? चलो किस्सा बताओ। मैं कुछ रीजनल लिटरेचर पढ़ रही थी, उससे पता चला कि ये मुंजिया बहुत ही नटखट आत्माएं होती है जो बच्चों की तरफ आकर्षित होती है, इसीलिए माँ बाप अपनी बातें मनवाने के लिए बच्चों को ये मुंजिया का नाम लेकर डराते हैं। जैसे कि खाना टाइम पे खा लो, टाइम पे सो जाओ, जंगल में अकेले मत जाना, नहीं तो मुंजिया आ जाएंगे। ये मुंजिया है या गब्बर सिंह? विक्रांत! चलो 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 चलो, सॉरी विक्रांत, यहाँ तो बहुत ठंड है। दादा, कृष्णाचा घर माहिती आहे का? कैसे पूछ रहे हो, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। दादा, कृष्णाचा घर माहिती आहे का? दादा, अजीब लोग हैं यार इस गांव में। चलो विक्रांत, हम किसी और से पता करें। आप लोगों को इतनी रात को गांव में नहीं आना चाहिए था। कमाल है, जब से इस गांव के लिए बस पकड़े हर कोई बोल रहा है ये मत करो वो मत करो। प्रवास बरात लांबचा होता कृष्णा भाऊ, रात्र पण बरीच झाली। नमस्कार बहिणी। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी, पाहुण्याचा चहा पाण्याचा बघ जरा। अब जिस काम के लिए आया उसके बारे में बात करें। पहले ये बताइए, आपने ये सबको बता दिया है कि हम लोग कौन हैं और क्यों आए? नहीं नहीं,
मैंने किसी को नहीं बताया कि आप लोग कौन है। हालांकि सिर्फ मेरी पत्नी लक्ष्मी जानती है आपके बारे में। मैंने तो यही बताया कि आप मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं और आप इनकी पत्नी। वेदांत, चलो उठ के बैठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। वेदांत कैसे आए? मैं अदिति ताई। लक्ष्मी वही नहीं, मैं वेदांत से 2 मिनट अकेले में बात कर लूं। हाँ हो कर आलिस। कौन सी स्कूल जाते हो आप? स्कूल में तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। मुझे अपना फ्रेंड बनाओगे? ओके मत बनाओ, अगर मैं तो आपको अपना फ्रेंड मानूंगी। अच्छा एक बात बताना, आपको घर में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, आई के बाबा? मतलब दोनों पसंद है हम। और सबसे ज्यादा चिल्लाता कौन है, आई बाबा? आपको कोई मारता है या फिर आप पे चिल्लाता है घर में, स्कूल में या बाहर गांव में? वो पेड़ यहां से कितनी दूर है, अभी जा सकते हैं? नहीं नहीं शक्य नहीं है रे, सरपंच जी ने नियम, हिटलर ने भी इतने नियम नहीं लगाए होंगे। चलो ठीक है, उस पेड़ की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन गांव में किसी से थोड़ी पूछताछ तो करनी पड़ी। यहाँ पर रात में लोग किसी जगह नहीं, ऐसी कोई चीजें गांव में नहीं मिलती है, सरपंच जी ने सब बंद करके रखा है। एक और नियम, मतलब इस गांव में कोई पीता नहीं है? पीते हैं ना चाय, आपके लिए एक ग्लास मंगाओ। जाइए आप सो जाइए, मैं आप लोगों की सोने की व्यवस्था करता हूँ। लक्ष्मी, बच्चा शौक में जरूर है पर उसकी बॉडी पे कोई मारने के निशान नहीं है। कृष्णा और उसकी बीवी को भी उसकी काफी फिक्र हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि घर वालों ने वेदांत का यह हाल किया होगा। कहाँ जाना वेदांत उठे सु। आप लोगों ने वेदांत को बाहर देखा? नहीं बाहर नहीं, पर उसके चिल्लाने की आवाज आई। हाँ मैंने भी सुनी। अहो कुठे वेदांत? काय माहिती नाही। ओ उलटा इथे आवाज आला मला त्याचा। वेदांत ऊपर क्या? ऊपर तो माला है, पुराना सामान रखते हैं। वेदांत तू वरती आहेस का? वेदांत कुठे बड़ा? ये तो अपशकुन है। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ सिंदूर है क्या? हुआ बेटा किसने किया ये सब? हाँ सिंदूर कहाँ से मिला तुम्हें? हाँ कृष्णा, सुबह स्वामी जी को बुलाना पड़ेगा। स्वामी जी आप? बल्कि हम ही आपके पास आने वाले थे। आई विदांत कैसे? यही अंदर है। कैसे हो बेटा? स्वामी जी देखिए ना, कल रात को ये कुमकुम में भरा हुआ मिला और तब से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, बुखार भी है। कृष्णा
तुमसे जरूर कोई गलती हो गई है, तुम्हारे परिवार से जरूर कोई गलती होगी, इसी का नतीजा है ये। ये दोनों कौन है? जी मैं विक्रांत, कृष्णा का दोस्त, और ये मेरी पत्नी अदिति। हम शहर से आए हैं उस पवित्र पेड़ की पूजा करने। दरअसल शादी के इतने सालों बाद भी हमें बच्चा नसीब नहीं हुआ ना, इसलिए हाँ स्वामी जी, वो क्या है ना, हमने उस पेड़ के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमें भी अपनी इच्छा पूरी करनी है। पर आप पहले देखिए ना, ये वेदांत को क्या हो गया? वेदांत को कुछ नहीं होगा, कृष्णा के पूरे परिवार की रक्षा हम स्वयं कर रहे हैं। हम तुम्हारे भाव से प्रसन्न हो गए, हम स्वयं तुम्हें पवित्र पेड़ के पास ले जाएंगे और पूजा करवाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी जो भी उपाय है वो कीजिए और मेरे बेटे को मुंजों से बचाइए। चिंता मत करो, ये लो कृष्णा, ये पवित्र जल हमने स्वयं सिद्ध किया है मंत्र जाप से, पूरे घर में छिड़कना और परिवार के हर सदस्य को प्राशन करने के लिए बोलना। आइए स्वामी, कल्याण। मैं आपको कल्याण। क्या हुआ विक्रांत, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसे फालतू के अंधविश्वास देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है। हाँ एक बात बता ना, मुझे इतनी बार स्टोरी रटवाई कि हम अपने नए बिजनेस के लिए प्रार्थना करने आए, और स्वामी जी के सामने ये कहा कि हम अपने बच्चे के लिए आए। इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं? इम्प्रोवाइजेशन नहीं, इसे हार्ट अटैक कहते हैं। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता तो तुम सही बात बता दो, अब आगे क्या करना चाहिए? गांव वालों से पूछताछ करनी चाहिए। नॉट बैड एएसपी, यू आर इंप्रूविंग। विक्रांत, वैसे गांव वालों के नियमों के खिलाफ और स्वामी जी की आज्ञा के बिना वहां जा नहीं सकते हम लोग, फिर भी हम आपको लेकर जा रहे हैं, किसी से बताना। और कितनी दूर है? बस नदी पार करने के बाद पहुंच ही जाएंगे। मैंने गांव में लोगों से पूछताछ की, सब लोग मुझे आपको इतनी श्रद्धा से मानते हैं। श्रद्धा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ डर से जरूर मानते। और हाँ, कुछ साल पहले 3 लोगों ने मंजा को देख लिया था और फिर वो इतने बीमार पड़े कि आखिरी में मर भी गए। गांव में इतने सारे हादसे हुए हैं, आपके सरपंच का उसके बारे में क्या कहना है? सरपंच जी उनका तो इन सारी चीजों पर काफी सारा भरोसा है, बहुत मानते हैं वो इन चीजों को। हालांकि महीने में कम से कम एक बार तो वो भूख चढ़ाते ही पेड़ को, शायद इसीलिए गांव वालों का ये मानना है कि आज तक उनके परिवार के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। आप किसी को मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए थे। अरे आप क्यों चिंता करते हैं, कृष्णा जी नहीं बताएंगे? तो इसी बात का डर है कोई देख ना ले। हाँ बेटा देगा देगा। बस इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसके आगे जाना गांव के नियम के खिलाफ है। जरा फिर से बताइए ना, उस दिन एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? अरे काका, हम पहली बार आए ना इस गांव में, तो इसलिए बार बार पूछ रहे ताकि हम पूजा में कोई गलती ना कर बैठे। अच्छा अच्छा, हाँ तो उस दिन स्वामी जी वहाँ पेड़ के पास भोग लगा रहे थे और मैं, बाबा, लक्ष्मी, वेदांत, हम सब यहीं खड़े थे, और जैसे स्वामी जी ने भोग चढ़ाया और फिर स्वामी जी ने कहा कि आप बिना पीछे मुड़े घर पे चले जाना, तो हम वहाँ गए और खिलौना वहाँ पर। अरे अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, वहाँ जाना मना है। देव बाइट मार्क्स यहाँ पर इस पेड़ के आसपास कोई बंदर या ऐसे जानवर आते? नहीं तो, ये जंगल इतना डरावना है कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं पाया जाता, और ये
पेड़ की जगह पवित्र रखनी पड़ती है, यहाँ पर कुछ भी खाना मना है, उसके बावजूद भी ये। लेकिन ये तो किसी इंसान ने खाकर फेंका है। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहाँ जा रहे हैं? लगता है कोई अपशकुन होने वाला है, ये उसी बात का संकेत है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। आप जाइए, आप जाइए। आदिति तुम इनको लेकर जाओ, लेकर जाओ इनको, मैं आ रहा हूँ पीछे। जाओ जाओ जाओ। लेकिन उस पेड़ के आगे जाना मना है, उसके आगे मत जाना। अरे नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, बाबा को लेकर जाइए। जाओ अदिति, जाओ जाओ। सॉरी बोला ना भाई, गलती हो गई। चलो चलो यार। क्या है भाव? हमने जो नियम बनाए वो तोड़े क्यों? तुम्हें तो सारे नियम पता है ना, हमने दिया हुआ मंत्र जाप करके ही उस पेड़ के पास जाया करते हैं, तभी वो बुरा साया दूर रहता है हमसे। तुम कैसे चले गए बिना किसी सुरक्षा के? पूरे गांव को, अपने परिवार को श्रापित करना चाहते हो क्या? नहीं स्वामी जी, मला माफ करा, चूक झाली माझी, माफ कीजिए। बाबा की तबियत कुछ ठीक नहीं है स्वामी जी, देखिए ना, कुछ तो कीजिए स्वामी जी। चुप करो, पहले गलतियां करते हो फिर बच्चों जैसे रोते हुए आते हो हमारे पास। बाबा चुप, ये लो पानी में मिला के दे देना, ठीक हो जाएंगे। वहां पे किसी चीज को किसी ने छुआ तो नहीं? स्वामी जी ये वहां से मिला। चढ़ावा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे छूने की? ये चढ़ावा है, चढ़ावा, इसे छूते नहीं है। तुमने उनके भोजन को छुआ है, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माफ कीजिए सरपंच जी, वो तो बस टहलने के लिए निकला था, सोचा पेड़ को देख लूं। मेरी बीवी आ रही है स्वामी जी को लेकर, हम पूजा करने वाले उस पेड़ के। गलती हो गई। अगर दोबारा ऐसी हरकत की या मुझे पता चला कुछ गड़बड़ कर रहा है तो गांड माझ्याशी है, समझ ला जी। डारे घेऊन जायला चल चल चल। अरे ये सुनो, ये का सफरचंद, घे घे का, कसं गोड आहे ना, कुठे होती मगाचपासनं? हा स्वामी जी काफी गुस्से में थे कि बगैर उनकी मर्जी के सब लोग जंगल में कैसे चले गए। क्या सोच रहे हो? ये स्वामी जी और सरपंच का बर्ताव मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है।
पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उस जंगल के बीचों बीच कुछ लोग रहते हैं। जंगल के बीचों बीच और कोई है जो ये नहीं चाहता कि इस बात का किसी को पता चले, कोई उन्हें छुपा रहा है। लेकिन ऐसा करेगा कौन और क्यों? सचमुच पूछ रहे हो या ऑलरेडी किसी पे शक है? देखो, सरपंच को इस बात की बड़ी फिक्र थी कि मैं उस पेड़ के आगे ना जाऊं। उसने ये नियम बनाया है कि उस पेड़ के आगे कोई ना जाए, और उसकी धमकियों से तो उसके पकड़े जाने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। माना कि सरपंच पॉसिबल सस्पेक्ट है, मगर इन सब से उसे क्या मिलेगा? यही तो पता करना है। गांव के लोगों से और पूछताछ करनी पड़ेगी। कुछ ज्यादा बोलने को तैयार ही नहीं है। मैं भी स्वामी जी से पूछताछ करके उनकी कुंडली निकलवाती हूँ। तुम अंदर जाओ, मैं जरा लोगों का मुंह खुलवाता हूँ और उस पेड़ के अभी चक्कर लगा लूंगा, शायद कोई सुराग मिल गया। लेकिन संभल के जाना, कहीं सरपंच ने फिर से पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, तुम स्ट्रेस मत लो, बस इस पाखंडी बाबा को संभाल लो, बाकी मैं देख लूंगा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी स्वामी जी, उस दिन हमसे गलती हो गई, हमसे रहा नहीं गया और हम वो पेड़ देखने चले गए। हमारा आपको या किसी को भी ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। स्वामी जी, स्वामी जी, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ बच्चे के लिए आए हैं, मगर सच बात तो ये है कि मेरे पति को सिर्फ लड़का चाहिए। अगर लड़की हुई तो पता नहीं वो क्या करेंगे। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे लड़का हो या लड़की, जो भी हो, मेरे पति उसे स्वीकार कर ले? आप ऐसी कोई पूजा कर सकते हैं? अवश्य। देखो बेटा, भूल तो तुमसे हुई है, पर ईश्वर परम दयालु है, वो तुम्हें माफ कर देंगे।
स्वामी जी, आपका पूरा समय तो गांव के लोगों की सेवा में बीतता है, फिर आप अपनी और इस घर की देखरेख कैसे कर लेते हैं? बेटा, हमारा कुछ नहीं है, ये तो ईश्वर की दया है, इस गांव के सरपंच जी की देन है। इस जगह का सारा खर्चा गांव की पंचायत उठाती है, हम नहीं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि सरपंच जी जैसे अच्छे लोग आपके इन कार्यों में आपकी मदद करते हैं। जय हो स्वामी जी। आशीर्वाद। ठीक हो तुम विक्रांत? ठीक हो? ये सब कैसे हुआ विक्रांत, और किसने किया? कोई था वहां पर? उस पेड़ के बहुत आगे जंगल के अंदर मुझे एक खंडर मिला। मुझे पता नहीं मैं वहां पे कैसे पहुंचा, किसने ड्रग किया मुझे वहां पर। मैं किसी को देख नहीं पाया, लेकिन वहां पर कोई था जरूर। ईश्वर अदिति, 10 मिनट तक मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे पता भी नहीं मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, पर थैंक गॉड तुम सेफ हो। सेफ तो हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस मामले में गांव के किसी ना किसी आदमी का तो हाथ है, किसी बहुत बड़े आदमी का। मुझे भी ये स्वामी जी कोई दूध के धुले नहीं लग रहे हैं। उनका रहन सहन और चाल ढाल देखकर ये लग रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। अगर तुम स्वामी से मिलकर आई हो तो उस खंडर में वो तो नहीं हो सकता। फिर तो हमारे शक के दायरे में एक ही आदमी बचता है, सरपंच।
कृष्णा, अब ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया। हम लोग पेड़ की तरफ जा रहे हैं। कौन है वहां पे? ए कृष्णा, तुम घर पे रुको, हम आ रहे हैं। चलो अदिति। आ जाओ, आ जाओ, आ गए। मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम बता रहे हो। तुम्हें सच जानना है ना? इन मुंजाओं की सच्चाई तुम नहीं जानते, और मुंजा तुम्हारी सच्चाई जरूर जानता है। याद रखना, एक बार अगर तुमने मुंजा को देख लिया, जिंदगी भर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। देखो, अनुभव कर लो। आ जाओ, दिखाओ अपना अस्तित्व इन्हें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पूरा पेट तो बच्चों से भरा पड़ेगा। आपका नाम क्या है? सुनील। और आपका? सुनील। स्वामी जी, आप सालों से यही कहते आए कि इस पेड़ के पास किसी को भी आने देना नहीं चाहिए। आपने हमसे झूठ बोला, अनर्थ हो जाएगा, और इसके लिए हमने नियम भी बनाए। लेकिन इसमें आपका स्वार्थ था, इसका मुझे पता नहीं था। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था सरपंच जी, ये तो मैंने गांव की सुरक्षा के लिए, गांव वालों की भलाई के लिए, इस पेड़ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया। अरे बस कर स्वामी, खेल खत्म हो चुका है तेरा। ये तेरे मुंजे पूरे गांव के सामने खड़े हैं, इन्हें और बेवकूफ नहीं बना सकता तू। लेकिन स्वामी, तुमने ये सब क्यों किया? पैसे, आराम की जिंदगी, रुतबा, और क्या? हम लोगों ने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि आप लोगों ने इन ट्राइबल अनाथ बच्चों का बहिष्कार करके इन्हें गांव से निकाल दिया। इसी बात का फायदा स्वामी जी ने उठाया और इन्हें मुंजे का रूप देकर इनका इस्तेमाल करते रहे। और इन मुंजियों के डर से हर रोज कोई ना कोई पूजा करवाता था। उनके चढ़ाए हुए जेवर, गहने, पैसे सब इसकी जेब में जाते थे। पेदान भी उन चंद लोगों में से जो इन बच्चों को पेड़ पर उल्टा लटकते देखकर चौंक गए। लेकिन वो सब क्या था? मेरे बाबा के पेट में दर्द होना, गांव वालों को इन सारी चीजों से तकलीफ होना, ये भी इसी स्वामी की महिमा है। पहले आपको लिक्विड देकर दर्द देता था, और फिर दवा देकर उसे दूर करता था। स्वामी, सालों पहले तुम इस गांव में आए, तब तुम्हारी हैसियत क्या थी? हमने विश्वास रखा, हमें लगा कि तुम इन गांव के लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हो। लेकिन नहीं, तुम तो हाँ सरपंच जी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आप लोग गलत हो। ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया। आप लोगों ने इन बच्चों को गांव से बाहर निकाला था ना, मैंने उन्हें सहारा दिया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और यहाँ तक कि जंगल के पार उन्हें रहने के लिए जगह भी दे दी। पूछो इनसे, पूछो। कैसी जगह? न ढंग का छत, न ढंग की दीवारें। इन बच्चों की हालत तो देख, इनकी शक्ल देखकर लग रहा है काफी दिनों से खाना तक नहीं खाया इन्होंने।
ये पुड़िया ये देता था ना ये आप लोगों को, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में अफीम है, अफीम जो ये इन बच्चों से उस खंडर में बनवा रहा था। गांव वालों के लिए अफीम और अपने लिए राख। कोई मदद वदद नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा था। इसे पकड़ने में आप दोनों पति पत्नी ने हमारी जो सहायता की उसके लिए धन्यवाद। सर हम पति पत्नी नहीं है, मैं एएसपी अतिथि और ये एसीपी विक्रांत। अब स्वामी को सबक सिखाने का काम पुलिस का है। आपने इसका क्या करना है वो तो तय कर लिया, पर इन बच्चों को क्या करना है वो आप देख लीजिए। चलो अच्छी बात है, बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी होगी और स्वामी के घर को बच्चों के हॉस्टल में भी बदल दिया, अब तो वो चैन से जिएंगे। एंड थैंक गॉड अब वो स्वामी भी अरेस्ट हो गया। क्या हुआ बताओगी या हंसती रहोगी? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर भी दिल और फीलिंग्स जैसी चीजें हैं। यूपीएससी में तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस ली थी ना? तब भी सीखी नहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल होता है? देखो ये दिल या फीलिंग्स की बात नहीं है, सही और गलत की बात है। खैर मैंने तुमसे कहा था ना ये पेड़ों वाली आत्मा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर राइट, मुझे भी लगा कि मेरी इंस्टिंक्ट्स काम क्यों नहीं कर रही है, मगर जब कोई आत्मा थी नहीं तो मुझे कैसे कुछ फील होता। डरो मत, इस बस में जाते जाते तुम्हारी आत्मा तो बाहर निकली आएगी।